मणिकम टैगोर हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। सर, महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? प्रदर्शन भी किया आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा का जीत का बात, मोदी सरकार ने पूरी देश का एक तोहफा दिया है और कंटिन्यूसली डेली गिफ्ट दे रहे हैं। डेली पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, डेली अभी 100 रुपये का ऊपर पहुंच गया और सिलेंडर 410 रुपये था मनमोहन सिंह जी का सरकार में, अभी 1000 पार हो गया। और इसका बारे में पार्लियामेंट में हम लोग कंटिन्यूसली मुद्दा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डेली अडजमेंट मोशन दे रहे हैं, बट सरकार इसका बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और अहंकार में सरकार डूबी हुई है और ब्रिटिशर्स जैसे जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए हम लोगों ने आज पूरी देश में महंगाई मुक्त भारत का अभियान स्टार्ट किया है। राहुल गांधी जी ने काली सिलेंडर और काली बिना पेट्रोल का बाइक का माला डाल के उसका एक सिंबॉलिक सत्याग्रह का स्टार्ट किया है और सारे देश में ये हम लोगों का तकलीफ का कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी उठाते रही। इस प्रोटेस्ट के बाद आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार कहती है विपक्ष है लेकिन विपक्ष दिखता नहीं है, अब आप लोग बखूबी सड़कों से लेकर संसद तक आप आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं? राहुल गांधी जी लोगों का तकलीफ का और लोगों का दर्द का कभी भी उनका आवाज़ उठाते हैं और राहुल गांधी जी एक नेता है, आज कर्नाटका जा रहे हैं, कर्नाटका में जाके उनका कार्यक्रम है, उसका पहले भी सवेरे आके ये इस महंगाई का अभियान का शुरुआत करके लोगों के साथ बैठ के धरने में बैठ के नारेबाजी करके जाने वाला एक ही नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का विपक्ष दिखती नहीं है, ये मोदी का मीडिया के लिए दिखती नहीं होगा, बट कांग्रेस पार्टी लोगों का साथ है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सांसद मणिकम टैगोर हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।